ब्रेक के बाद स्वागत आपका। और अब बात करते हैं सनी लियोनी की कि इन्होंने कैसे मचाई सनसनी। ऐसा इसलिए क्योंकि सनी लियोनी एक ऐसी एक्ट्रेस हैं बॉलीवुड की जिन्होंने की जिंदगी में संघर्ष बहुत देखे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी उम्र के 38वें पड़ाव पर पांव रख चुकी हैं। एक सनी और किस्से कई, लेकिन आज सनी लियोन आपको सनी लियोनी से जुड़ा हर वो किस्सा बताएगा भारत समाचार जिससे आप अनजान होंगे, आपको पता नहीं होगा। तो सनी लियोनी की जिंदगी का हर राज देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सनी लियोन के अनसुने किस्से, हर रात से उठेगा पर्दा। 38 की हो गई बेबी डॉल। चांद की चिड़िया गहलाल के लात मेरे साथ आओ ना आओ। इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च होने वाली सनी लियोन ऐसा नाम है जिससे दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जो अनजान होगा। एक दौर में इंटरनेट पर खूब सर्च हुई सनी लियोन, बॉलीवुड में भी धूम मचा चुकी है। सनी लियोन का जन्म 13 मई 1981 को हुआ था। अब वो उम्र के 38वें पड़ाव पर आ चुकी हैं। 3 बच्चों की माँ है। एक बेटे निशा को उन्होंने गोद लिया था और 2 बेटों को उन्होंने सरोगेसी से जन्म दिया। हम आपको बताएंगे सनी के वो राज जो अब तक आपको पता नहीं होंगे। सनी लियोन के पिता पेशे से एक इंजीनियर थे और कनाडा में शिफ्ट हो गए थे। वहीं सनी लियोन की माँ हिमाचल के नाहन से थी। सनी अपनी उम्र के करीब 13 साल तक कनाडा में रही और उसके बाद पूरी फैमिली कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गई। सनी लियोन अपनी माँ और पिता दोनों की मौत का जिम्मेदार खुद को मानती हैं। असल में सनी लियोन की माँ को शराब पीने का शौक था। लीवर पूरी तरह से फेल हो चुका था। बीच में उन्होंने शराब पीनी छोड़ दी, लेकिन जब उनको पता चला सनी पॉर्न इंडस्ट्री में काम करती हैं, तो उन्होंने दोबारा शराब पीनी शुरू कर दी और इसी वजह से उनकी मौत हो गई। सनी लियोन सबसे ज्यादा अपने भाई के करीब रही हैं। बहुत से लोगों को ये पता नहीं होगा कि सनी लियोन के भाई का नाम सनी था और पॉर्न फिल्म इंडस्ट्री में काम करते वक्त उन्होंने सनी नाम अडॉप्ट किया और सनी को लियोन नाम प्लेबॉय मैगजीन में काम करने वाले उनके दोस्त बॉब ने दिया था। सनी के बचपन का नाम गोगो था। सनी लियोन ने प्लेबॉय नाम की एक मैगजीन के लिए फोटोशूट किया, लेकिन डर की वजह से अपनी कॉलोनी में आई सारी मैगजीन्स को खरीद लिया था। इसके बाद सनी लियोन विविड एंटरटेनमेंट कंपनी से जुड़कर $1,00,000 में 3 फिल्में साइन की, लेकिन सनी ने शर्त रखी वो किसी मर्द के साथ काम नहीं करेंगी। 2007 में सनी को एक साथ 6 फिल्मों के ऑफर मिले। डेनियल से पहले भी सनी की जिंदगी में 2 बॉयफ्रेंड रहे। 2011 में सनी लियोन ने डेनियल से शादी कर ली और दोनों ने अपनी कंपनी बनाकर एक साथ पॉर्न इंडस्ट्री में काम शुरू किया। 2016 में बीबीसी ने 100 टॉप वुमेन ऑफ वर्ल्ड में उन्हें शामिल किया। बहुत ही कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि सनी लियोन ने अपनी माँ और पिता की अस्थियों को हिंदुस्तान आकर गंगा में विसर्जित किया था और सनी आज भी नए प्रोजेक्ट से पहले समंदर के किनारे जाकर अपनी माँ और पापा को याद करती हैं। 2013 में पोर्न इंडस्ट्री से सनी ने रिटायरमेंट लिया। बिग बॉस 2011 में उन्होंने एंट्री की और यहीं से उन्हें महेश भट्ट ने अप्रोच किया। और सनी लियोन ने जिस ऋतु में काम किया, सनी का बेबी डॉल गाना भी सुपर हिट हुआ। सनी ने जिस 2, रागिनी MMS 2 और एक पहली लीला जैसी फिल्मों में मुख्य किरदार अदा की। शायद ही सनी के फैंस को ये पता हो, सनी ने अपनी पहली जॉब 19 साल की उम्र में शुरू कर दी थी। पॉकेट मनी के लिए उन्होंने एक जर्मन बेकरी में वेट्रेस का काम किया था। सनी लियोन को AVM अवार्ड भी मिल चुका है। इस अवार्ड को पॉर्न इंडस्ट्री का ऑस्कर कहा जाता है। सनी ने पॉर्न इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले एक बेकरी तथा एक टैक्स एंड रिटायरमेंट फर्म में भी काम किया है। सनी लियोन को भारत समाचार की तरफ से भी हैप्पी बर्थडे। ब्यूटीफुल
ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। चमकर के चमका लावा झंडू बाम जी नच दे बैजन थमका चमका चमका मेरिया में चम चम करके चमका लावा झंडू बाम जी नच दे बैजन थमका मेरे ही चर्चे मेरिया ही कला जग सारा कर दानी बार बार वे ये दुनिया पित्तल दी